अपने रिकॉर्ड जीत के प्रति जनता को आभार देने पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। पिछोर में कहा, जनता ने पुनः सिद्ध किया मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी। कांग्रेस पर भी किया जमकर हमला। अपने लोकसभा क्षेत्र गुना में रिकॉर्ड जीत के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने क्षेत्र में जनता के बीच जाकर आभार व्यक्त कर रहे हैं। आज पिछोर पहुंचे केंद्रीय मंत्री का जनता ने भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने ओपन जीप में खड़े होकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद हजारों की संख्या में आई जनता को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने अपने अभिभाषण में कहा, मैं पिछोर की जनता का आभारी हूं, जहां नौजवान, महिलाओं व किसान ने एक एक मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर मुझे अपना पूरा समर्थन व वोट दिया। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही प्रधानमंत्री व पार्टी को तीसरी बार लगातार वोट देकर देश की बागडोर दी गई है। 29 की पूरी 29 सीटें भाजपा के खाते में डालकर मध्य प्रदेश की जनता ने यह बात पुनः सिद्ध कर दी कि प्रधानमंत्री मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी भी है। कांग्रेस पर बोला हमला। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस को 100 के आंकड़ों के पहले रोक दिया एवं 2014, 2019 व 2024 की सीट भी कांग्रेस की छोड़ दे तो भाजपा की अकेली 2024 सीटों से कम है। गिनाई लोकसभा में अगले 5 साल की प्राथमिकताएं। केंद्रीय मंत्री ने अपने लोकसभा में प्राथमिकताओं को बताया। कहा, मेरी 4 प्राथमिकता है। पहला, मेरे अशोकनगर, गुना और शिवपुरी में एक एक माफिया को मैं यहाँ से भगाऊंगा। दूसरी प्राथमिकता, एक एक केंद्र सरकार व एक एक योजना मेरे क्षेत्र की जनता को मिले, इसके लिए मैं कार्य करूंगा। तीसरी प्राथमिकता, क्षेत्र में अधोसंरचना की सभी जरूरतें, चाहे सड़क पुल या बिजली या का फीडर, सभी का निर्माण होगा। चौथी प्राथमिकता, युवा शक्ति को प्रोत्साहन। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है और वो कांग्रेस पार्टी जिसके 13 राज्यों में खाता भी नहीं खुला। और अगर आप कांग्रेस पार्टी के तीनों चुनाव के सीट ले लो, इस चुनाव में 3 अंकों तक भी पहुंच नहीं पाई। 99 पर जनता ने स्पीड ब्रेकर लगा दिया। 99 सीट इस चुनाव की, 52 सीट पिछले चुनाव की, 75-45 सीट 2014 के चुनाव की। तीनों चुनाव के आंकड़े भी जोड़ दो तो जो आपने आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को दिया, 240 सीट इस चुनाव का भी 3 चुनाव की गिनती नहीं आती कांग्रेस की। मेरे भाइयों और बहनों,